नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्योदय मीडिया में। मैं आपके साथ हिमांशी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। पर वही थप्पड़ जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दे तब कैसा लगता है जनाब। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर आए दिन तमाम सारी पिक्चरें रिलीज होती हैं, पर इस फ्राइडे पिक्चर रिलीज हुई है थप्पड़, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। चलिए अब हम बात करते हैं थप्पड़ मूवी की। थप्पड़ मूवी को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। अब अनुभव सिन्हा कौन है? अनुभव सिन्हा वो हैं जिनका थोड़े दिन पहले डोमेस्टिक वायलेंस के चलते उनकी पत्नी से डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने के बाद अनुभव और उनकी वाइफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ही ऑफिस में एज अ फ्रेंड रहते हैं, काम करते हैं साथ में। चलिए अब बात करते हैं थप्पड़ मूवी के लीड के बारे में। थप्पड़ मूवी के लीड में है तापसी पन्नू, जिनका नाम होता है नम्रता। नम्रता एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होती है, अपने परिवार को लेके चलती है, सारी चीज़ें करती है। पर एक दिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि नम्रता अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की बात कह देती है। आप भी सोच रहे होंगे ना, चलिए आपको बताते हैं। नम्रता के घर एक दिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ जिसार इकट्ठे होते हैं, नाच गाना होता है। वहीं अचानक से नम्रता का हस्बैंड नम्रता को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। अब नम्रता को वो थप्पड़ गाल में पड़ने के साथ साथ दिमाग में भी पड़ जाता है। नम्रता उस बात से इतना डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की बात कहती है। अब जब नम्रता अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की बात कहती है तो बीच में कौन आता है? रिश्तेदार, जो कि बोलते हैं भाई शादीशुदा जिंदगी में थप्पड़ एंड ऑल ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये सब बर्दाश्त करो और अपना घर देखो। इस मूवी के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। हमारे समाज में आए दिन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, पर आज भी हमारे समाज में लाखों महिलाएं आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। जब भी कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो वो अपनी बात जब अपनी फैमिली या किसी को भी बताना चाहती है तो फैमिली वालों का रिएक्शन होता है कि यार शादीशुदा जिंदगी में इतना चलता है, उसने तुम्हें थप्पड़ ही तो मारा है, जान से तो नहीं मार दिया। यार स्टॉप इट, ये करना बंद करो, तभी डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म होगा। अब ज़्यादा की स्टोरी मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ, पूरी स्टोरी देखने के लिए आपको मूवी हॉल जाना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।